पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों को धान की खेती को लेकर ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि पिछले साल की तरह इस बार भी चरणबद्ध तरीके से धान की कटाई करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत 8 से 7 जिलों में किसान धान लगा सकते हैं। इसकी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इस फॉर्मूले से पिछली बार धान के सीजन में बिजली की समस्या नहीं हुई थी और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी मुझे आपका सहयोग मिलेगा। किसानों को 8 घंटे निर्विघ्न बिजली की आपूर्ति की जाएगी। फिरोजपुर, फरीदकोट, गुरदासपुर, पठानकोट, तरन तारण, श्री फतेहगढ़ साहिब, शहीद भगत सिंह नगर, इन जगहों पर आज से धान की कटाई की जा सकती है। सीएम मान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि इन जिलों में धान की बुआई के समय 8 घंटे निर्विघ्न बिजली की आपूर्ति की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों को धान की खेती को लेकर ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि पिछले साल की तरह इस बार भी चरणबद्ध तरीके से धान की कटाई करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत 8 से 7 जिलों में किसान धान लगा सकते हैं। इसकी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इस फॉर्मूले से पिछली बार धान के सीजन में बिजली की समस्या नहीं हुई थी और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी मुझे आपका सहयोग मिलेगा। किसानों को 8 घंटे निर्विघ्न बिजली की आपूर्ति की जाएगी। फिरोजपुर, फरीदकोट, गुरदासपुर, पठानकोट, तरन तारण, श्री फतेहगढ़ साहिब, शहीद भगत सिंह नगर, इन जगहों पर आज से धान की कटाई की जा सकती है। सीएम मान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि इन जिलों में धान की बुआई के समय 8 घंटे निर्विघ्न बिजली की आपूर्ति की जाएगी।